हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब आई एम बैक विद अ न्यू चैप्टर एंड दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन अगेन अ वेरी गुड वेरी इजी एंड नाइस चैप्टर सो विदाउट वेस्टिंग आर टाइम लेट्स बिगिन सो हमेशा की तरह सबसे फर्स्ट स्लाइड हमारा एम की तरफ वन मार्क्स का इच और सबसे फर्स्ट एम हमारा एन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन द सेम हैबिटेट एंड हैविंग फंक्शनल इंटरेक्शन इज कॉल्ड एज बायोटिक कम्युनिटी एकदम सरल सीधा साफ है क्वेश्चन नंबर टू कम्युनिटी इज डिफाइंड एज जो भी कम्युनिटी है उसमें वो कम्युनिटी कैसे बनी वो इंटरेक्टिंग पॉपुलेशन से बनी ठीक है डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज डिफरेंट पॉपुलेशन बनाते हैं और वो इंटरेक्ट करते हैं तो वो क्या बनती है कम्युनिटी बनती है क्वेश्चन नंबर थ्री रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस विद इन ईच बायोम लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ वराइटी ऑफ हैबिटेट्स ठीक है मैक्सिमम मैगजिम ऑफ रेनफॉल वाटर इज डन बाय जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है वहां पर रेनफॉल भी मैक्सिमम है वहां पर टेम्परेचर भी वॉम है वहां पर सनलाइट भी अच्छी है तो इन सब चीजों का इन सारे फैक्टर्स का बेस्ट इस्तेमाल करते हैं इसके लिए वहां पर जो ट्रीज है वो काफी हरे भरे लंबे चौड़े साल भर बने रहते हैं और डेंस फॉरेस्ट बना रहता है द कैटल इगरेट एंड ग्रेजिंग कैटल इन अ क्लोज एसोसिएशन इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ कैटल आप लोग समझ गए हो ग्रेजिंग कैटल चाहे वो uh, भैंस हो गाय हो कोई भी हो जो ग्रेजिंग कैटल है जो कैटल है आपने देखा होगा एक बगला जो हमेशा क्या होता है भैंस के कभी मुंडी पे बैठ जाता है कभी उसके पीठ पे बैठ जाता है हमेशा उनके आस पास ही फटकता आपको नजर आएगा ठीक है तो ये कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है जहाँ पर ये फायदे में है कैटल इग्रेट लेकिन ग्रेजिंग कैटल न्यूट्रल है इसको ना तो फ़ायदा है ना तो लॉस है अब ये जो कैटल इग्रेट है वो करता क्या है ग्रेजिंग कैटल के आसपास जो ग्रेजिंग कैटल है जब वो लोग मूव होते हैं या फिर जब वो लोग अपने टेल यहाँ वहाँ मूव करते हैं तो बहुत सारे इंसेक्ट्स फ्लाई होते हैं जो इग्रेट को लोकेट करने के लिए इतना ईजी नहीं होता है ठीक है जब वो लोग फ्लाई करते हैं तो उनको इजिली नोटिस करते हैं और उनका शिकार करते हैं है ना तो इसमें इनका बेनिफिट है मगर कैटल का कोई लॉस नहीं है तो ये एग्जाम्पल है किसका कमेंसलिज्म का राइट द इकोलॉजिकल नीच ऑफ अ पॉपुलेशन इज अ सेट ऑफ कंडीशन एंड रिसोर्सेस दैट इट यूजेस नीच को आगे हम लोग और बहुत डिटेल में देखेंगे क्वेश्चन सेवन ट्रॉपिकल डेंस फॉरेस्ट आर ड्यू टू अभी जस्ट हमने डिस्कस किया हाई रेनफॉल वार्म टेम्परेचर अच्छी खासी सनलाइट है ना ये सारे ही फैक्टर सुटेबल है के लिए. Polar show हमेशा याद रखे एच डब्ल्यू हाइबरनेशन इन विंटर एंड एस्टिवेशन इन समर ठीक है होमवर्क एच डब्ल्यू एंड ए एस एस हाइबरनेशन विंटर कोई भी एनिमल जो भी हाइबरनेट करता हो और एस्टिवेशन इन समर क्वेश्चन नाइन एन लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व लैग फेज शोज इनिशियल स्टेज ऑफ ग्रोथ व्हाट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व देखो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व जो है वो कुछ ऐसा है ठीक है और हमसे क्या पूछा गया है लैग फेज तो यह है हमारा लैग फेज यह है हमारा लॉग फेज और यह है हमारा स्टेशनरी फेज ठीक है तो हमसे क्या पूछा है इन लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व लैग फेज शोज इनिशियल स्टेज ऑफ ग्रोथ यही है इनिशियल स्टेज ऑफ ग्रोथ

ठीक है ऐसे नहीं है कि भूख से मरी भूख हुई है या फिर रिसोर्सेज की कमी से खाना पानी की कमी से मृत्यु हो रही है ये आइडियल कंडीशन में डेथ हो रही है दैट इज दैट इज एब्सोल्यूट मोर्टैलिटी Next question is how absolute natality differs from realized natality. See natality is opposite to mortality. Natality is what birth rate. And now your absolute natality is the number of birth under ideal conditions. ओके एंड रियलाइज नेटेलिटी इज वेन द एनवायरमेंटल प्रेशर कम्स इनटू टू प्ले ये नॉर्मल कंडीशन में जो बर्थ हो रहे हैं वो एब्सोलुट नेटेलिटी है और जब एनवायरमेंटल प्रेशर है मतलब कि जो भी हो एनवायरमेंटल प्रेशर हो उसमें जो बर्थ हो रहे हैं वो रियलाइज नेटेलिटी है तो हमेशा ही जब एनवायरमेंटल प्रेशर ज़्यादा होगा कंडीशन हार्श होंगे तो तब जो बर्थ रेट है वो हमेशा ही कम होगा अगर कहा कमी है पानी की कमी है बहुत गर्मी है बहुत ठंडी है बहुत बारिश है तो वैसे केसेस में मोटालिटी ज्यादा होगी ठीक है और नेटालिटी कम होगी इसलिए जो एब्सोल्यूट नेटालिटी है वो हमेशा ही क्या होगी रियलाइज नेटालिटी से ज्यादा होगी और जो एब्सोल्यूट मोटालिटी है वो हमेशा ही रियलाइज्ड मोटैलिटी से कम होगी दोनों में जरा डिफरेंस ध्यान से समझें रियलाइज मोटैलिटी मतलब कि जो नंबर ऑफ डेथस हो रहे हैं एनवायरमेंटल प्रेशर में तो हमेशा ही जब एनवायरमेंटल प्रेशर होगा कंडीशन हार्श होगी तो डेथ रेट ज्यादा होगा नॉर्मल से इसके लिए एब्सोल्यूट मोटेलिटी हमेशा कम होगी रियलाइज मोटेलिटी से ओवर एज अगर हम नेटालिटी की बात करें तो जब एनवायरमेंटल प्रेशर ज्यादा होगा कंडीशन हार्श होंगे अनफेवरेबल होंगे तो बर्थ रेट कम होगा ठीक है तो एब्सोल्यूट नेटालिटी इज ए ग्रेटर देन रियलाइज नेटालिटी आई होप यूल गॉट द डिफरेंस नेक्स्ट इज वॉट इज पॉपुलेशन इकोलॉजी सो बेसिकली इकोलॉजी का मीनिंग ही क्या होता है इकोलॉजी का मीनिंग क्या होता है हाउ द एनिमल्स बिहेव और रिएक्ट इन इट्स ओन इन इट्स ओन सराउंडिंग ओके सो यर पॉपुलेशन इकोलॉजी लिंक्स इकोलॉजी टू पॉपुलेशन डायनामिक्स दैट इज एट्रीब्यूट जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन दैट वाइट इज बिहेविंग लाइक दैट

उसका हैबिटेट होगा और अगर मैं नीच को एकदम आसान भाषा में बताऊं तो वो वहाँ पर क्या करता है उसका प्रोफेशन वो वहाँ पर किस तरह से रोल प्ले करता है कैसे अपने एनवायरमेंट को अफेक्ट करता है वो क्या होगा नीच होगा तो ये वो कहाँ पर रहता है और वो करता क्या है ये डिफरेंस है हैबिटेट और नीश में तो स्पेशल नीच स्पेशल समझ में आता है क्या स्पेस So it deals with the physical space occupied by the organism. Okay. What is ESS? See basically ESS is evolutionary stable strategy. मतलब कि कोई भी फॉर एग्जाम्पल अ जेनेटिकली डिस्टिंगटिव सेट ऑफ रूल्स फॉर बिहेवियर दैट वेन एडोपटेड बाय अ सर्टन प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एनी ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी मतलब कि कोई एक पॉपुलेशन ने कोई एक बिहेवियर को एडॉप्ट कर लिया है और वो जो एडॉप्ट किया है कुछ रूल्स उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता किसी दूसरी स्ट्रैटेजी से अगर हम लोग टेक्स्ट बुक से एग्जाम्पल लें तो हमारे टेक्स्ट बुक में जो एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है ई एस एस को लेके वो क्या है कि अगर हम सेक्स रेशो की बात करते हैं किसी भी पॉपुलेशन में तो वहां पर लाइक द मेल्स एंड फीमेल्स आर इन रेशो ऑफ वन एस टू वन ठीक है मेल्स और फीमेल्स कैसे रेशो में हैं वन एस टू वन के रेशो में हैं तो जनरली ये सबसे मोस्ट कॉमन इवोल्यूशनरी स्टेबल स्ट्रैटेजी है इसको अफेक्ट नहीं किया जा सकता राइट right. क्वेश्चन नंबर सिक्स इज डिफाइन द टर्म हैबिटेट अभी जस्ट हमने डिस्कस किया habitat क्या है किसी भी ऑर्गेनिज्म का घर उसका एड्रेस जहां पर वो रहता है और उस हैबिटेट में वो सारे ही एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑर्गेनिज्म के फेवर में होते हैं जो उसको जीने के लिए जरूरी है आप जहां भी रहते हैं आप वहां पर स्के सर्वाइव कर रहे हैं क्योंकि वहां के कंडीशंस आपके लिए फेवरेबल है वहां पे जो भी चीजें है क्लाइमेट है अवेलेबिलिटी है वो आपको सूट कर रही है आपको वहां पर अच्छा लग रहा है राइट सो हैबिटेट है ऑल द एनवायरमेंटल कंडीशन एंड ऑर्गेनिज्म नीड्स टू ओके देन क्वेश्चन सेवन रीअरेंज द टर्म्स द पॉपुलेशन बायोम कम्युनिटी एंड ऑर्गेनिज्म इन इकोलॉजिकल हायरार्की ठीक है तो सबसे छोटा सबसे छोटा क्या है ऑर्गेनिज्म ठीक है थीके? हम लोग ये जा रहे हैं छोटे से बड़ा जा रहे हैं, ये हम असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं ठीक है सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म क्या बनाते हैं पॉपुलेशन बनाते हैं बहुत सारे पॉपुलेशन आपस में इंटरेक्ट करके कम्युनिटी बनाते हैं और बहुत सारी कम्युनिटी क्या बनाती है बायोम बनाती है ठीक है सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा क्वेश्चन एट बोलता है वॉट एलेंज रूल इंडिकेट्स इन एडेप्टन एलन का रूल बहुत ही सिंपल है देखो रूल पर जाने से पहले ये तो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल हमारे लोअर स्टैंडर्ड में था कि अगर एक कप है वो कप में हमारे पास क्या है चाय है तो वो कप में चाय जल्दी ठंडी होगी या फिर जो सॉसर है सॉसर में चाय जल्दी ठंडी होगी तो हमारा आंसर हमेशा क्या होता था सॉसर क्यों ये आंसर था क्योंकि जिसका सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा है ना जिसका सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा और वहां से हीट का लॉस उतना ज़्यादा होगा इसके लिए जो चाय है वो सॉसर में क्या होगी जल्दी ठंडी होगी और इसके कंपैरिजन में कप का जो सरफेस एरिया है वो कम है इसके लिए वहां पर चाय कंपैरेटिवली धीरे ठंडी होगी ठीक है क्योंकि सरफेस एरिया कम है तो हीट का लॉस वहां से कम है एस कंपेयर टू सोसर सो ये रूल में भी है कि मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट जनरली हैव शॉर्टर स्नाउट ईर्स टेल एंड लिम्स टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ बॉडी हीट देखो अभी इसको यहां से कनेक्ट uh, करो कि इनका बॉडी इतना छोटा है लिम्स छोटे हैं जो स्नाउट होता है जैसा नोज़ की तरह निकला हुआ होता है नोज़ और माउथ के साथ में ऐसा है वो मतलब बॉडी के पार्ट्स छोटे हैं बॉडी इसके लिए छोटा है क्योंकि उनका सरफेस एरिया कम हो सरफेस एरिया कम होगा तो बॉडी से हीट कम लॉस होगा एक तो वैसे ही वहाँ पर इतनी ठंड है कि बाहर से कहीं हीट मिल नहीं पा रही जो भी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म करके हीट जनरेट हो रही है वो भी क्या हो जाएगी अगर तो बॉडी का सरफेस एरिया ज्यादा होने के वजह से क्या हो जाएगी एस्केप हो जाएगी बाहर निकल जाएगी तब तो जीने के वादे हो जाएंगे है ना इसके लिए अगर बॉडी का सरफेस एरिया कम होगा तो इट विल मिनिमाइज द लॉस ऑफ बॉडी हीट क्या बोलते हो समझ में आ गया यह था हमारा वन मार्क्स का क्वेश्चन दूसरा है टू मार्क्स का क्वेश्चन सबसे फर्स्ट क्वेश्चन एकदम एज इट इज बहुत ही अच्छे से टेक्स्ट बुक में पेज नंबर टू नाइन थ्री पे दिया हुआ है इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं आप लोगों के लिए राइट क्वेश्चन नंबर टू से जाते हैं डिफाइन द टर्म बायोम एंड पॉपुलेशन अभी हमने डिस्कस किया था कि बायोम क्या है एक बहुत ही बड़ा लार्ज रीजनल टेरिस्ट्रियल यूनिट है विच इज डीलिमिटेड दैट मीन्स इट इज नॉट लिमिटेड इट इज नॉट लिमिटेड बाय अ स्पेसिफिक क्लाइमेटिक जोन हैविंग मेजर वेजिटेशन जोन एंड द एसोसिएटेड फोना और बहुत ही बड़ा रीजनल टेरिस्ट्रियल यूनिट है जिसकी लिमिट नहीं है वहाँ पर स्पेसिफिक क्लाइमेटिक जोन है और उस स्पेसिफिक क्लाइमेट के वजह से वहाँ की स्पेसिफिक सॉइल टेम्परेचर और डिफरेंट बायोटिक अबायोटिक फैक्टर्स की वजह से वहाँ पर कुछ स्पेशल कुछ मेजर क्या है फ्लोरा है और उन फ्लोरा से असोसिएटेड उसके फोना है है ना? ऑलवेज एनिमल्स एंड फ्लोरा नेचुरल वेजिटेशन। पॉपुलेशन भी हमसे पूछ रहे हैं तो पॉपुलेशन हमने अभी दो बार डिस्कस कर लिया फिर भी एक बार देख लेते हैं ऑर्गेनिज्म ऑफ अ सेम काइंड इनहेबिटिंग मीन्स रिसाइडिंग इन अ ज्योग्राफिकल एरिया कॉन्स्टिट्यूट पॉपुलेशन पॉपुलेशन सिर्फ ह्यूमंस का होता है ऐसा नहीं है अगर आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया की बात करो और वहाँ पर अगर हम क्या करें जो डॉग्स है उनका नंबर अकाउंट करे और हम उस एरिया को मार्क करके वहाँ पे बात करें कि यहाँ पे पिछले दो सालों से कितने डॉग्स है मान लो दस डॉग है तो मतलब इस पर्टिकुलर एरिया की इस दो सालों से कितनी है डॉग्स की टेन है तो इसका मतलब पॉपुलेशन किसी भी स्पीशीज की हो सकती है इन अ पर्टिकुलर एरिया इन अ पर्टिकुलर टाइम ओके वो इंसेक्ट हो सकते हैं बर्ड हो सकते हैं ट्रीज हो सकते हैं कुछ भी हो सकते हैं क्वेश्चन थ्री हाउ हैबिटेट डिफर्ज फ्रॉम निश मैंने बोला था हैबिटेट एड्रेस है और निश क्या है उसका प्रोफेशन उसका काम धाम के वो क्या काम करता है एनवायरनमेंट के लिए सो हैबिटेट इज़ अ प्लेस और सेट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन जहाँ पे ऑर्गेनिज्म क्या करता है वहाँ पे वो रहने के लिए एकदम फिट है कंडीशंस उसके फेवर फेवर में हैं वो सर्वाइव अच्छे से कर सकता है और वो अपने आप को ढालेगा वो अपने आप को ढालेगा ताकि वो क्या कर सके उस पर्टिकुलर कंडीशन में अच्छे से सर्वाइव कर सके जैसे जैसे कंडीशन चेंज होगी वो अपने आप को ढालेगा उसमें बेटर फिट होने के लिए ठीक है नेश क्या है नेश फंक्शनल रोल प्लेड बाय एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स एनवायरमेंट हर ऑर्गेनिज्म अपने अपने एनवायरमेंट के लिए क्या करता है सर्टन रोल प्ले करता है ठीक है सबका कुछ ना कुछ काम है एनवायरनमेंट के तरफ और एनवायरमेंट के लिए तो वो क्या होता है पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का नेश होता है क्वेश्चन फोर हाउ टेम्परेचर टेम्परेचर एक अबायोटिक फैक्टर है Abiotic means non living, and biotic means living. How temperature as an abiotic factor plays a role in ecology? Deco. हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है कि जो टेम्परेचर जो भी हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम्स होते हैं एंजाइम्स बेसिकली क्या होते हैं कैटलिस्ट होते हैं जो बॉडी के अंदर भी कोई ना कोई रिएक्शंस को अंजाम देते हैं तो सारे ही एंजाइम का काम करने के लिए उनको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की जरूरत है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पी है ना एक्सेट्रा की जरूरत है तो इसीलिए देखो हम लोग हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो थर्टी फाइव तो टू थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस क्यों मेंटेन करते हैं क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारे काम करने वाले एंजाइम्स वो अपने एकदम बेस्ट एफिशिएंसी पे एफिशिएंसी से काम करते हैं थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस पे ही दैट इज द रीज़न वी हैव टू मेंटेन आर इंटरनल एनवायरमेंट ओके सो टेम्परेचर अफेक्ट्स द एंजाइम द सेल एंड द एंटायर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी एंड अदर फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म समझ रहे हो तो जो भी ऑर्गेनिज्म जिस टेम्परेचर में रहता है उस पर उस टेम्परेचर का बहुत बड़ा प्रभाव अफेक्ट होता है क्वेश्चन फाइव डिफाइन द टर्म एडेप्टन देखो अडेप्टशन क्या है कि जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर चेंजेस होंगे ही एनवायरमेंट में चेंज होंगे ही तो आप वहाँ से भाग नहीं सकते आप वहाँ से छुप नहीं सकते आपको क्या करना होगा उसका सामना करना होगा और अपने आप को उस एनवायरमेंट में फिट होने के लिए ढालना होगा ताकि आप उसमें सरवाइव कर सके तो उसे हम क्या कहते हैं अडाप्टेशन सी द प्रोसेस ऑफ अ चेंज बाय विच एन ऑर्गेनिज्म और स्पीशीज बिकम्स अ बेटर सुटेड टू इट्स एनवायरमेंट इज कॉल्ड व्हाट अडेप्टेशन ओके okay. अब इसका एडवांटेज क्या है अगर आप समय के हिसाब से एनवायरमेंट के हिसाब से अपने आप को नहीं ढालेंगे नहीं बदलेंगे तो आप क्या हो जाएंगे शिकारी का शिकार बन जाएंगे लेकिन अगर आप ढाल लेते हैं अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं तो अडाप्टेशन कैन प्रोटेक्ट एनिमल्स फ्रॉम प्रीडेटर्स अगर आपका शिकारी बहुत फास्ट है तो आपने भी अपने को ढाला आपने भी अब अपने आप को फास्ट किया है ना कहीं आपने छुपने का इंतजाम किया तो ये आपने अडेप्ट किया और आप क्या कर सकते हो शिकारी से बच सकते हो देखो जैसे कि बहुत सारे आ, स्पीशीज होते हैं आ, वो क्या करते हैं कैमोफ्लाज का, का काम करते हैं कैमोफ्लाज मतलब अपने सराउंडिंग में इस तरह से फिट हो जाते हैं कि समझ में नहीं आता कि वो पत्ता है या फिर वो इंसेक्ट है वो कीचड़ है या फिर वो टोड़ है है ना तो वो ऐसे कमअलाज हो जाते हैं और अपने प्रेडेटर्स को क्या देते हैं चकमा देते हैं तो ये भी उनका एक तरह का क्या है एडाप्टेशन है इसके अलावा जो हमारा कैक्टस प्लांट है उसके भी जो थॉर्न्स है वो उसका अडाप्टेसन है ताकि वो जो उसके वो जो लीफ होते हैं लीफ क्या करते हैं लीफ के अंदर जो टमाटा होते हैं वो बहुत ही ज्यादा वाटर इवेपरेट करते हैं तो एक तो ऑलरेडी डेजर्ट में कैक्टस को पानी की कमी है ऊपर से लीफ क्या करेंगे वाटर इवेपरेट करेंगे तो इन्होंने क्या किया है आ, आ, कैसे इन्होंने अडाप्ट किया है थॉन्स डेवलप कर लिया है कि ना रहेगा बास ना बजेगी बासुरी है ना तो बहुत ही तो जो उनका जो कैक्टस का अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर तो थॉर्न्स है प्लस वो जो उनका फ्लैशिव पार्ट दिखता है वो काफी ज्यादा वैक्सी भी है जिसके वजह से वाटर एपरेट नहीं हो पाता और ये थॉर्न्स के वजह से उनको हर भी वोरस एनिमल खा नहीं पाते कौन खाएगा इतना कांटे वाला झाड़ है ना तो ये डिफरेंट डिफरेंट लिविंग बिंग का क्या है अडाप्टन है अपने अपने शिकारियों से बचने के लिए अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए और वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए इसके अलावा अडाप्टेशन क्या कर सकता है उनको हार्श वेदर से भी बचा सकता है कैसे बचाएगा हार्श वेदर से अभी हमने पीछे देखा था जो एलेंज का रूल तो उसमें जो एनिमल्स ने अडाप्ट किया है वो उनको क्या करता है हार्श वेदर से बचाता है है ना देन क्वेश्चन नंबर सिक्स इज वॉट इज मोर्टैलिटी मोर्टेलिटी सीधा क्या है डेथ रेट है उसके दो टाइप क्या है हमने दोनों भी डिस्कस किए हैं एप्सोलूट मोर्टेलिटी एंड रियलाइज मोर्टालिटी हमेशा याद रहे रियलाइज मोर्टेलिटी ज्यादा होगी एप्सोल्यूट मोर्टालिटी से क्वेश्चन सेवन डिफाइन द टर्म पॉपुलेशन इंट्रैक्शन स्टेट इट्स टू टाइप्स सी पॉपुलेशन इंट्रैक्शन नाम से का समझ में आ रहा है कि दो डिफरेंट पॉपुलेशन के बीच में क्या हो रहे हैं इंटरक्शन इट रिफर्स टू द इफेक्ट्स दैट द ऑर्गैनिज्म इन अ कम्युनिटी है किस तरह से जो दो डिफरेंट पॉपुलेशन एग्जिस्ट कर रही है उन दोनों का एक दूसरे पर इम्पैक्ट क्या है असर क्या है वो क्या है पॉपुलेशन इंट्रैक्शन इंट्रैक्शन दो टाइप के हो सकते हैं इंट्रास्पेसिफिक और इंटरस्पेसिफिक इंट्रास्पेसिफिक मतलब जब सेम स्पीशीज में हो विद इन द सेम स्पीशीज एंड इंटर स्पेसिफिक मीन्स बिटवीन टू बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज़ कैसे हम लोग बोलते हैं इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन तो इंटर कॉलेज कंपटीशन में दो तीन चार पाँच कॉलेज के बीच में कंपटीशन होता है और इंट्रा कॉलेज कंपटीशन में उस कॉलेज के अंदर ही हम लोग आपस में कॉम्पीट करते हैं वो इंट्रा कॉलेज होता है तो इस तरह से आप लोग याद रखो इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक ठीक है लेट्स गो टू मार्क्स क्वेश्चन फिर आ गया निश हमने डिस्कस किया है ये क्या है फंक्शनल रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्लेड बाय ऑर्गेनिज्म इन इट्स एनवायरमेंट डिफरेंट टाइप भी पूछा है हमें एनी टूल बताना है तो स्पेशल और हैबिटेट नीच मतलब कि वो कैसे फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाई करता है और वहाँ पे वो क्या रोल प्ले करता है और ट्रॉपिक नीच मतलब नीच मतलब कि आपने लोअर स्टैंडर्ड में देखा होगा किस तरह से हम लोग ट्रॉपिक लेवल बनाते थे प्रोड्यूसर हरबी वोरस कार्ने वस तो उनका एक, 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 एक तो अलग अलग ट्रॉपिक लेवल है तो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का इज़ अ पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन पर क्या उनका इंट्रैक्शन होता था क्या वो रोल प्ले करते थे वो क्या होगा उनका ट्रॉफिक तीन टाइप के वैसे होते हैं हमको सिर्फ दो ही लिखना था क्वेश्चन नंबर टू इज डिफाइन अ म्यूचुअलिज्म म्यूचुअलिज्म इज अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द होस्ट एंड अ सिम्बायउ वेयर बोथ ऑर्गनिजम्स अ बेनिफिट एंड नो वन इज हार्मड बेसिकली म्यूचुअलिज्म इज अ विन विन सिचुएशन जहाँ पर दो डिफरेंट स्पीशीज के ऑर्गनिजम एक साथ रह रहे हैं और दोनों भी उससे क्या कर रहे हैं बेनिफिट उठा रहे हैं फॉर एग्जांपल प्लांट्स गिव ऑफ ऑक्सीजन व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमंस प्लांट्स हमको ऑक्सीजन देते हैं वो हम इन्हेल करते हैं ठीक है और हम कार्बन डाइऑक्साइड एग्जेल करते हैं जो प्लांट इनहेल करते हैं तो प्लांट्स ने जो एग्जेल किया वो ह्यूमंस ने इनहेल किया और ह्यूमंस ने जो एग्जेल किया वो प्लांट्स ने इनहेल किया तो ऐसे लेन देन करके हम दोनों का भी क्या चल रहा है काम चल रहा है हम भी फायदे में हैं और प्लांट्स भी फायदे में हैं तो ये क्या हुआ वी बोथ आर इन विन सिचुएशन ओके, देन क्वेश्चन नंबर थ्री एक्सप्लेन एनी थ्री इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन आर एज फॉलो सी पॉपुलेशन साइज एंड डेंसिटी अगर हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी इज बेसिकली नंबर ऑफ पीपल रिसाइडिंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर का एरिया मतलब अगर मैं बोलू के मुंबई देखो दिल्ली, चेन्नई हैदराबाद जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है वहां पर खचा खच भीड़ है है ना वहां पर एक स्क्वायर किलोमीटर के एरिए में हजारों लोग रहते हैं तो वहां पर डेंसिटी घनत्व क्या है ज़्यादा है, बहुत ज्यादा घना है घनी आबादी है लेकिन अगर हम लोग बात करें अरुणाचल प्रदेश की या कोई भी ऐसे रिमोट एरिया की जहां पर फैसिलिटीज की कमी है तो वहां पर आप क्या देखोगे एक घर यहां है दूसरा घर की दस मिनट की दूरी पे है तीसरा घर और दस मिनट की दूरी पे है तो वहां पर एक स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कम लोग रहते हैं तो फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे टेन रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर तो ये वहाँ की डेंसिटी हुई टेन परसेंट पर स्क्वायर किलोमीटर और अगर कहीं पर रहते हैं 500 सौ परसेंट पर स्क्वायर किलोमीटर तो ये वहाँ की डेंसिटी हुई तो हमेशा डेंसिटी ज़्यादा कहाँ पर होती है जहाँ पर ज्यादा फैसिलिटीज होती है लोग सिटीज में क्यों आते हैं जॉब की तलाश में पढ़ाई की तलाश में है ना ट्रीटमेंट की तलाश में तो यहां पर फैसिलिटीज है स्कूल है कॉलेज है बैंक है इंडस्ट्रीज है फैक्ट्री है हॉस्पिटल है तो लोग अलग अलग मकसद से क्या करते हैं सिटीज में माइग्रेट करते हैं विच अल्टीमेटली चेंजेस द पॉपुलेशन डायनामिक ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया पर्टिकुलर सिटी एंड इंक्रीज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया राइट देन हमें नेटालिटी भी डिस्कस कर लिया है मोटालिटी भी डिस्कस किया हुआ है ठीक है नेटालिटी अगर ज्यादा है अगर नेटालिटी ज्यादा है मोर्टालिटी से तो पॉपुलेशन क्या होगी बढ़ती ही जाएगी ठीक है और अगर मोटालिटी ज़्यादा है नेटालिटी से तो पॉपुलेशन घटती जाएगी लेकिन आज का आज का जो हमारा इंडिया का सिनेरियो है वहाँ पर नेटालिटी ज़्यादा है मोटालिटी से इसके रीज़न बहुत सारे हैं डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसके साथ साथ में और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट आने के वजह से बहुत सारे डिफरेंट बीमारियों की मेडिसिन आने के वजह से लोग क्या हो जाते हैं बीमारियों से बच जाते हैं चाइल्डलेस कपल को भी डिफरेंट मेथड से चाइल्ड प्रदान कर सकते हैं तो वहाँ पर भी पॉपुलेशन है जो बढ़ रही है है ना पर इसके अलावा जो हमारे गांव टाइप इलाका है वहाँ पर लड़के की चाहत में बहुत सारी लड़कियां हो जाती हैं। मीन बहुत सारे रीजन है जो क्या करता है नटालिटी को बढ़ाता है ओके और अगर एज स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे कि पॉपुलेशन में सारे ही एज के लोग हैं। प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले भी हैं, रिप्रोडक्टिव एज वाले भी हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज वाले भी हैं इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे एकदम डिटेल में वैसे हमारे यहाँ पे तीन तो हो ही चुका है वन टू एंड थ्री ओके क्वेश्चन नंबर फोर इज एक्सप्लेन डिफरेंट पॉपुलेशन पॉपुलेशन इंट्रैक्शन विथ एग्जाम्पल पॉपुलेशन इंट्रेक्शन मतलब फिर से वही कि दो डिफरेंट पॉपुलेशन के बीच में किस तरह से इंट्रैक्शन है वो पॉपुलेशन इंट्रैक्शन है तो अभी डिफरेंट टाइप के है तो सबसे फर्स्ट म्यूचुअलिज्म जो हमने डिस्कस किया दोनों ही केस में क्या है विन विन सिचुएशन है एग्जाम्पल भी देख लेते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स कमेंसलिज्म में एक प्रॉफिट में है लेकिन दूसरा ना प्रॉफिट में है ना लॉस में है ये न्यूट्रल है इसको ना तो फायदा है ना तो नुकसान है जो हमने एमसीक्यू में डिस्कस किया कैटल एंड बफेलो या कोई भी ग्रेजिंग कैटल थर्ड इज अ जहाँ पर एक बेनिफिट में है और दूसरा क्या है लॉस में है बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है ह्यूमन और जो बालों में देखो देखा होगा अक्सर लड़कियों के ज्यादा होती है बालों में जो जू होती है या फिर आ, जो भी है खटमल है बेडबर्ग है या फिर जो लीच है जोंक जिसको बोलते हैं जो क्या करते हैं खून चूसने का काम करते हैं है ना ये सारे ही एग्जाम्पल मैंने आपको एक्टो पैरासाइट के दिए हुए हैं ठीक है थीके? तो ये हमारा खून चूस रहे हैं इनका पेट भर रहा है इनको टेस्टी जो भी हमने खाया इतनी मेहनत से है ना कहाँ कहाँ फ्री का पार्टी हमने ढूंढ के खाया हमने इतनी मेहनत की उसके लिए तो वह सारा इनको ऐसे ही खाया हुआ पचा पचाया फ्री में मिल जा रहा है इनका तो फायदा है पर हमारा क्या है लॉस है सो दिस इंटरेक्शन इज वॉट पैरासिटिज्म ठीक है एक का फायदा है है एक का नुकसान अगेन वॉट इज एग्जांपल नॉट रिपीटिंग अगेन तुम लोग ये पक जाओगे क्वेश्चन नंबर सिक्स एक्सप्लेन द रोल ऑफ एनी थ्री अबायोटिक फैक्टर्स अफेक्टिंग द इन्वायरमेंट देखो हमने टेम्परेचर तो डिस्कस किया कि किस तरह से टेम्परेचर एक अबायोटिक फैक्टर है और कैसे वो उस पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले ऑर्गेनिज्म की या फिर प्लांट के बॉडी के एंजाइम काइनेटिक्स को अफेक्ट करता है कैसा मेटाबॉलिज्म बढ़ा घटा सकता है और उसके बॉडी के डिफरेंट फिजियोलॉजी को अफेक्ट कर सकता है इसके अलावा सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ वाटर देखो वाटर के बारे में तो जितनी तारीफें किया जाए जितनी उसकी इम्पोर्टेंस बताया जाए वो कम ही है और कोई ऐसा नहीं है जो वाकिफ नहीं है कि वाटर के इम्पोर्टेंस क्या है धरती पे दुनिया बसने का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर वाटर खुद है राइट right. और हमारे बॉडी में अभी कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी 60 टू 70% किसकी रहती है वाटर की ही रहती है सो द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स आर आल्सो हेवली डिपेंडेंट ऑन वाटर सो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हैज अ वेरी ग्रेट अफेक्ट ऑन दी ऑर्गेनिज्म वाटर की अवेलेबिलिटी के हिसाब से उन फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट है डेजर्ट में जो प्लांट्स पाए जा रहे हैं एनिमल्स पाए जा रहे हैं वो वहां पर कम पानी में रहने के लिए अडाप्टेड है जहां पर ज्यादा पानी है वहां पर जो फ्लोरा एंड फोना पाया जाएगा वो डिफरेंट होगा समझ रहे हो थर्ड इम्पॉर्टेंट इज़ अ सॉइल देखो सॉइल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अबायोटिक फैक्टर है क्योंकि कितने सारे ऐसे बैक्टीरियाज या ऑर्गैनिज़म हैं जिन्हें की लाइफ सॉइल से शुरू होकर सॉइल में ही ख़त्म हो जाती है इसके अलावा पूरी दुनिया टिकी हुई है किस पे मतलब कोई कुछ भी कर ले उसको खाना तो है ही एग्रीकल्चर तो होना ही चाहिए खाना तो चाहिए पेट में कोई कितना भी पढ़ ले कुछ भी कर ले कुछ भी कर ले है ना तो वह एग्रीकल्चर सिर्फ और सिर्फ किस में हो सकता है Soil में तो सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक वो सॉइल कंपोजिशन क्या है वो उसका ग्रेन साइज मतलब कि सॉइल कितना फाइन है जाड़ा है, है कैसा सॉइल है वो वो कितना परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब कि जो पानी है वो कितना उसके अंदर से सीप हो के अंदर जा सकता है कितना पानी वो होल्ड कर सकता है उसका पीएच लेवल क्या है उस सॉयल में कैसे मिनरल पाए जाते हैं उसके माइक्रो क्या है उसके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है टोपोग्राफी मतलब के माउंटेन है प्लेटो है प्लेन है इन सारी बातों से बहुत इफेक्ट पड़ता है और ये सब डिटरमाइन करेंगे कि अगर ये सब कैसा होगा तो वहाँ पे कैसा वेजिटेशन हो सकता है सॉइल डिसाइड करेगी कि वहाँ पर क्या चीज बेटर फ्लरिश कर पाएगा राइट डिफरेंट सॉइल में डिफरेंट सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक होने की वजह से वहां पे जो क्रॉप्स ग्रो होते हैं वो भी क्या होते हैं बच्चों डिफरेंट होते हैं हम लोग हर जगह हर चीज नहीं ग्रो कर सकते राइट क्वेश्चन सेवन एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोथ मॉडल्स ठीक है तो यहाँ पर सुपर मॉडल ऑफ द ईयर नहीं बताना है यहाँ पे ग्रोथ मॉडल बताना है दो ही ग्रोथ मॉडल है हमारे पास एक्सपोनेंशियल मॉडल और लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल ठीक है अब जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है जरा एक बार स्टेटमेंट देखते हैं पर इसका ग्राफ देखेंगे देखो एवरी स्पीशीज इज केपेबल ऑफ ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली एकदम कोई भी स्पीशीज है वो एकदम धड़ल्ले से क्या हो सकती है उसकी तादाद उसका काउंट बढ़ सकता है अगर उसके पास रिसोर्सेस अनलिमिटेड है उसके पास खाने की पीने की रहने की कोई दिक्कत नहीं है कोई परेशानी नहीं है उसको कोई टेंशन नहीं है है ना तो उसकी जो पॉपुलेशन है वो एकदम धड़ल्ले से क्या हो सकती है बढ़ सकती है लेकिन रिसोर्सेज जैसे कि फूड है स्पेस है ये हर बार अनलिमिटेड नहीं होते ठीक तो जब ये अनलिमिटेड नहीं होते हैं तो ये लिमिटेड होते हैं और अगर ये लिमिटेड है और पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ते जा रहा है तो जाहिर सी बात है पहले इतने बड़े एरिया में अगर चार ही लोग खाने जीने रहने वाले थे और अब इसे चार से क्या हो गए हैं चालीस हो गए हैं तो आपस में क्या होगा कॉम्पिटिशन होगा आपस में लड़ाई मारपीट होगी किस लिए रिसोर्सेस के लिए इसमें कोई ना कोई मतलब जो आप आपस में लड़ेंगे तो कोई ना कोई इसमें क्या होगा शहादत हासिल होगी शहीद होगा है ना मतलब अल्टीमेटली जो रेट है जिस हिसाब से पहले ग्रो हो पा रहे थे वो क्या हो जाएगा घट जाएगा यहां देखो ये यह है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ये जैसे जैसे टाइम जाएगा ये धीरे धीरे क्या होंगी पॉपुलेशन साइज बढ़ेगी 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 और एक बैक एकदम से बढ़ जाएगी लेकिन उसके बाद वो क्या हो जाएगी ये सी क्या बढ़ते हुए नहीं चले जाएगी है ना क्या आएगा इसमें स्लो डाउन आएगा दूसरा है लॉजिस्टिक ग्रोथ लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या है देखो अ पॉपुलेशन ग्रोइंग इन अ हैबिटेट विथ लिमिटेड रिसोर्सेस ठीक है यहां पर पहले से ही रिसोर्सेस क्या थी लिमिटेड थी शो इनिशियली अग अ फेज फॉलोड बाय फेजेस ऑफ एक्सलरेशन एंड रिस्लेशन

ये है लॉग फेज जब एकदम धड़ल्ले से क्या हो गई पॉपुलेशन बढ़ गई लेकिन इसका कैरिंग कैपेसिटी इतना ही है उस पर्टिकुलर एरिया का कैरिंग कैपेसिटी इतना ही है तो उसके बाद तो क्या होगा एक ठहराव आ जाएगा एक पॉइंट आएगा जहां पर रुकना पड़ेगा उसके आगे बात नहीं बढ़ सकती तो वो क्या होगा स्टेशनरी फेज ठीक है जब आप ट्रेन में बस में जाते हो तो जब बस खाली आती है ट्रेन खाली आती है कितने कितने फटाफट लोग उसमें चढ़ में भाग के चढ़ जाते हैं एकदम फटा जल्दी जल्दी उसको क्या कर देते हैं पूरी ट्रेन खचाखच -खा भर जाती है लेकिन जब वो चार स्टॉप आगे रुकती है तब उसमें ऐसा हमको फील नहीं होता है कि अंदर कोई आया है एक स्टेशनरी फेज आ जाता है तब ट्रेन का कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा हो जाते हैं लोग है ना तो कोई भी रीजन अपने कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा लोगों को उसमें अकोमोडेट नहीं कर पाएगा और अल्टीमेटली उसका जो ग्राफ है उसको क्या होना है गिरना ही है ठीक है देन फोर मार्क्स क्वेश्चन इज डिफाइन पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एज पिरामिड पॉपुलेशन ग्रोथ एकदम सिंपल है देखो मान लो कि आपको टेंथ में आए थे सेवेंटी परसेंट ठीक है और ट्वेल्थ में आएंगे नाइन्टी परसेंट सुन के कितनी खुशी हुई ना तुम लोगों को है ना है ना है ना? तो अगर हम डिफरेंस देखें तो कितने का डिफरेंस है ट्वेंटी का तो जब आपको ट्वेल्थ में नाइन्टी परसेंट आ जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे के इसका ग्रोथ हुआ है ट्वेंटी परसेंट है ना तो वैसी पॉपुलेशन क्या है पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है पॉपुलेशन ग्रोथ इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन मतलब कि जो हमारा लास्ट सेंसस था लास्ट सेंसस से इस इस सेंसस में कितने लोगों की बढ़ोतरी हुई है वो होगा हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ ठीक है अ पॉपुलेशन पिरामिड ऑल्सो कॉल्ड एन एज जेंडर पिरामिड इज अ ग्राफिकली इलस्ट्रेटेड डेटा दैट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस एज देखो मैंने तुम्हें पीछे बोला था कि हम लोग एज पिरामिड थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो अभी आ गया हमारा वक्त डिटेल में देखने का ये जो भी हम लोग देख रहे हैं आप लोग देख रहे हो सामने स्क्रीन पे वो क्या है वो कुछ फिगर्स है जो क्या दे रहे हैं हमको आइडिया दे रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड का ठीक है अभी पिरामिड पर जाने से पहले जरा सा एज स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं पॉपुलेशन में ऐसा नहीं है कि सारे लोग जवान हैं सारे बूढ़े हैं सारे बच्चे हैं ऐसा नहीं है इसमें हर एज के लोग हैं है ना तो बेसिकली जिनकी एज जीरो टू फोर्टीन इयर्स ऑफ एज है इनको हम मानते हैं पूरी रिप्रोडक्टिव एज ये अभी रिप्रोडक्शन करने के काबिल नहीं है और इनका अभी फ़िलहाल पॉपुलेशन में कोई योगदान नहीं है एज फिफ्टीन टू फोर्टी फोर वाले ये रिप्रोडक्टिव एज के लोग हैं जिनको हम यंग मानते हैं और इनके ऊपर ही डिपेंडेंट ये और ये दोनों हैं फोर्टी फाइव प्लस वाले क्या है पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले हैं ठीक है थीके? इनका समय खत्म हो चुका है और अभी इनका टाइम आएगा और इनका टाइम चल रहा है ठीक है तो ये सारे ही पिरामिड्स में देखो सबसे टॉप पे कौन पोस्ट है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज वाले ये है रिप्रोडक्टिव एज वाले और ये है प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले ठीक है तो देखो कि अगर इतने पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज वाले से इतने लोग हुए और इतने लोगों से इतने लोग हुए तो अगर आप और देखोगे आगे तो ये जो पिरामिड का बेस है वो क्या होते जा रहा है बढ़ते ही जा रहा है एक्सपांड होते ही जा रहा है सो दिस शोज़ एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे यहाँ पे पांच लोग थे वो पांच से या दस हो गए वो दस से या पंद्रह हो गए तो ये तो गारंटी है ना भैया आगे बीस होंगे पच्चीस होंगे ये जो कार्यक्रम है ये चलता ही जाएगा ये इंडिया की ग्रोथ है रैपिड ग्रोथ एवर इंक्रीजिंग रुकने का नहीं थकने का नहीं लाइफ में आगे बढ़ते रहने का पॉपुलेशन बढ़ाते रहने का ओके सो द कंट्रीज इज शोइंग दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज केनिया, कैनिया नाइजेरिया सऊदी अरेबिया एंड सबसे बड़ा इंडिया ठीक है नेक्स्ट इज स्लो ग्रोथ स्लो ग्रोथ में क्या है देख रहे हो कि ग्रोथ बहुत स्लो हो रही है मतलब यहाँ पर फाइव थे तो यहाँ पर सिक्स ही है यहाँ पर सेवन ही है बहुत ही क्या हो रही है स्लो ग्रोथ हो रही है यूनाइटेड स्टेट्स ऑस्ट्रेलिया कनाडा बहुत समझदार लोग हैं ओके ज़ीरो ग्रोथ ज़ीरो ग्रोथ मीन्स यहाँ पर भी फाइव थे मान लो यहाँ भी फाइव है यहाँ पर भी फाइव है और लगता है आगे भी फाइव ही रहेंगे तो ये क्या है ज़ीरो ग्रोथ है ना तो यहाँ पर बढ़ रही है ना यहाँ पर घट रही है बैलेंस बना के चल रहे हैं बेचारे डेनमार्क ऑस्ट्रिया इटली नेगेटिव ग्रोथ में यहाँ पर पांच थे यहाँ चार हो गए यहाँ तीन हो गए अब यहाँ से आंकड़ा और नीचे ही जाने वाला है ठीक है नेगेटिव ग्रोथ एग्जाम्पल इज जर्मनी बल्गेरिया एंड हंगरी ओके वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट इज इंडिया इज अमंग वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री जहाँ पर 70 परसेंट पॉपुलेशन क्या है यंग है तो जो पॉपुलेशन है वो किसी भी कंट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होता है अगर हम इसको सही दिशा में इस्तेमाल कर पाए तो ठीक है क्वेश्चन नंबर टू इज विच आर डिफरेंट बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स इन्वॉल्व इन इकोलॉजी एंड हाउ दे प्ले देयर रोल सो वैन वी टॉक अबाउट अ बायोटिक फैक्टर मीन्स अ लिविंग फैक्टर ठीक है तो अ लिविंग इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट शेप्स इट्स एनवायरमेंट फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर ऑटोट्रॉप मतलब जो खुद का खाना खुद बनाते हैं पूरा Uh, yes. मान लो कि पूरा दुनिया पूरा अर्थ किस पे टिका हुआ है किस पे डिपेंडेंट है हर ऑर्गेनिज्म हर एनिमल प्रोड्यूसर पे प्रोड्यूसर ही एक लौते ऐसे हैं जो खुद का खाना खुद बनाते हैं जो सोलार एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके खुद भी बढ़ते हैं और पूरा जग को भी बढ़ाते हैं सारे एनिमल्स सारे बर्ड्स सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट हैं प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं है हाँ ना तो एक होते हैं प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करते हैं और दूसरे होते हैं कंज्यूमर जो इनको कंज्यूम करते हैं दीज आर बायोटिक फैक्टर्स एर एज अबायोटिक फैक्टर्स ने डिस्कस किया है टेम्परेचर वाटर दोनों सो बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स वर्क टुगेदर टू क्रिएट अ अूनिक इकोसिस्टम प्रोड्यूसर्स भी होना ज़रूरी है और कंज्यूमर्स भी होना ज़रूरी है अगर ये प्रोड्यूस ना करें तो ये कंज्यूम क्या करेंगे और अगर ये कंज्यूम ना करें तो ये इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि ये इतने मतलब कि इनकी ग्रोथ पे कोई चेक ही नहीं रहेगा और ये खुद ही क्या हो जाएंगे पूरी रिसोर्सेस ऑक्यूपाई करके खुद ही समाप्त हो जाएंगे ओके सो बोथ आर नेसेसरी सो दिस वाज़ ऑल फ्रॉम माय साइड ऑन द चैप्टर ऑर्गेनिजम एंड पॉपुलेशन क्वेश्चन बैंक आई होप योर understood these things and it was a helpful i'll also share the pdf link okay i'll post the pdf in the telegram channel so keep watching keep learning keep growing thank you bye bye see you all tomorrow take care